हे दोस्तों नमस्कार, मैं देव सहानी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी जो है 15 मई उसका लास्ट डेट है। अगर हम 15 मई तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या हमारा WhatsApp बंद हो जाएगा, या जो है हम अपने WhatsApp को आगे भी कैसे चला सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में डाउट्स था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर जो है सभी लोगों का डाउट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर WhatsApp से रिलेटेड जो टिप्स और ट्रिक्स देता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप 15 मई तक जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके WhatsApp अकाउंट के साथ क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WhatsApp ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी WhatsApp यूजर 15 मई तक जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन WhatsApp की जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो 15 मई के बाद भी कई दिनों तक जो है WhatsApp यूजर को भेजा जाएगा ताकि वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इसके आगे क्या होने वाला है एक्सेप्ट ना करने पर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि WhatsApp के फैक पेज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पेज से जो है ये साफ हुआ है कि जो फेसबुक ऑन WhatsApp इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ये जो है जो नोटिफिकेशन भेजेगा अपने WhatsApp यूजर को 15 मई के बाद प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर तब भी यूजर जो है इसके प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनकी जो है सुविधाओं में कटौती की जाएगी। जो यूजर जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी जो है सुविधाओं में कटौती की जाएगी। तो ऐसे यूजर दोस्तों चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उनकी जो है सुविधाओं में कटौती की जाएगी, और हो सकता है कि ऐसे यूजर चैट लिस्ट को जो है एक्सेस ना कर पाए, उनके जो है WhatsApp में सिर्फ कॉलिंग का जो है फीचर इनेबल रहेगा। तो आपको मिला जुला कर जो है प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही है किसी भी शर्त पर। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WhatsApp ने क्लियर किया है कि ऐसे यूजर जो कि 15 मई के बाद भी कुछ दिन तक जो है उनको अगर प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन मिलता है फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो वो जो है चैट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनका चैट फीचर जो है क्लोज कर दिया जाएगा, और जो है उस अकाउंट पे सिर्फ वॉइस कॉलिंग वीडियो कॉलिंग जो है फीचर इनेबल रहेंगे। और उसके बाद भी दोस्तों अगर WhatsApp यूजर जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसे WhatsApp यूजर की जो है इनकमिंग कॉल मैसेज की सुविधा WhatsApp बंद कर देगा। इस तरह से दोस्तों किसी भी तरह से जो है आपको WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही होगा, अन्यथा आपका WhatsApp अकाउंट एक दिन जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा WhatsApp दोस्तों 15 मई 2021 तक नहीं करने वाला है। इसके बाद भी WhatsApp नोटिफिकेशन भेजेगा, उसके बाद जो है आपका WhatsApp अकाउंट से जो है धीरे धीरे सर्विसेज बंद की जाएंगी, और फाइनली अगर आप जो है WhatsApp के प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका WhatsApp अकाउंट परमानेंटली जो है क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों WhatsApp ने यह भी कहा है कि बहुत सारे यूजर जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिए हैं, क्योंकि उनको जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में समझाया गया है। पिछले कुछ महीनों में जो इसमें काफी ज्यादा बदलाव भी किए गए हैं जिसकी वजह से जो है WhatsApp यूजर जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों WhatsApp जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट को जो है बढ़ाने के ऊपर विचार कर रहा है। तो हो सकता है कि 15 मई के बाद भी इस डेट को बढ़ा दिया जाए और ऐसे में सभी यूजर जो है एक एक करके WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनका WhatsApp अकाउंट बंद होने से बच जाएगा। शुरू में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया था, उसके बाद जो इसमें बदलाव किया गया और फिर बढ़ाकर जो इसकी लास्ट डेट को 15 मई कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे 15 मई जो है नजदीक आ गई, अब WhatsApp यूजर जो है फिर से परेशान हो गए कि क्या हम जो है WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ऐसे में दोस्तों बहुत लोग तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि WhatsApp जो एक ट्रस्टेड कंपनी है और आपके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगी। तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो एक्सेप्ट ना भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्राइवेसी को कितना सिक्योर रखना चाहते हैं। लेकिन इसका लास्ट डेट जो है बढ़ने वाला है तो बहुत सारे यूजर जो है फिर से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो लोग 15 मई के बाद जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी धीरे धीरे सर्विसेज जो है WhatsApp कम कर देगा, जैसे कि पहले मैसेज को बंद कर देगा, फिर वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग को जो है बंद कर देगा। इस तरह से जो है आपका WhatsApp अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। तो 15 मई के बाद भी दोस्तों अगर आप WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके WhatsApp पर जो है धीरे धीरे सर्विसेज कम होती जाएंगी और फाइनली जो है आपका WhatsApp अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन इसके डेट को बढ़ाया जा रहा है तो इसके लिए जो है आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी WhatsApp से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।